Hello students, welcome or welcome back to my channel. I am CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you have started your preparation for December attempt. So December attempt may प्रेपरेशन स्टार्ट करने से पहले द बिगेस्ट क्वेश्चन, सिंगल ग्रुप में जाएं या बोथ ग्रुप्स में जाएं, तो मेरे पास आपके लिए सिंपल 3 सिनेरियो टेस्ट है जिसे देख के आप समझ जाओगे कि आप किस कैटेगरी में फॉल करते हो और आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए दिसंबर में या बोथ ग्रुप्स के लिए. तो मैंने अच्छे से चार्ट्स फॉर्म में बना दिया है, तो आगे आने वाली स्लाइड्स में आप वो चार्ट देखोगे और आप खुद समझ पाओगे कि आप किस सिनेरियो में फॉल करते हो, फर्स्ट सिनेरियो में, सेकंड सिनेरियो में या थर्ड सिनेरियो में. उसके हिसाब से आप जो है अपने लिए चूज कर सकते हो दिसंबर का अटेम्प्ट. और एंड में मैं आपको एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन दूंगी जिससे आपको समझ आ जाएगा कि वो कौन से सिचुएशंस होती हैं जहां आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए और वो कौन सी सिचुएशंस होती हैं जहां आपको बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए. एंड दीज टेस्ट एंड दिस यू नो अल्टीमेट कंक्लूजन मैंने निकाला है बिकॉज आई डील विद स्टूडेंट्स यू नो फ्रॉम माई यूट्यूब एक्सपीरियंस, फ्रॉम माई यू नो बैच एक्सपीरियंस. मैंने उससे ये नटशेल निकाला है कि आपको इन इन केसेस में सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए और इन इन केसेस में बोथ ग्रुप्स के लिए जाना चाहिए अगर आप अल्टीमेटली अपना अटेम्प्ट क्लियर करना चाहते हो. तो आई होप कि मेरी वीडियोज आपको पसंद आ रही है. सो आई होप दैट यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट सिनेरियो. तो फर्स्ट सिनेरियो क्या कहता है और आप उस सिनेरियो में फॉल करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, हम उसकी डिस्कशन करेंगे. सो द फर्स्ट सिनेरियो सेज नॉट गोइंग टू क्लियर 100% श्योर. सो आई वोंट से दैट वी डोंट नो आवर रिजल्ट्स बिफोर हैंड, राइट. मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हाउ वी हैव परफॉर्म. ऑफकोर्स वी नो, राइट. हम पेपर लिख के आए हैं, हमें पता होता है. सो वेन वी नो हाउ वी हैव परफॉर्म्ड, वी ऑल्सो नो दैट आर वी going to clear it or not. So the first scenario is that you completely know that you're not going to clear it, right? And the reasons could be any, right? Reasons kuch bhi ho, you know, aapne acche se preparation nahi ki ya paper tough aaya ya kuch bhi reason ho, lekin aapko abhi pata hai, abhi aapne June ka attempt diya aur now you know ke I am not going to clear. To aapko ab December ke liye kya karna hai? फर्स्ट सजेशन मेरा ये रहेगा, स्टार्ट विद द सेम सिंगल मॉड्यूल. अगर तो फ्लॉ आपके एंड से है, राइट, आई विल रिपीट, अगर फ्लॉ या डिफॉल्ट या मैं कहूंगी प्रेपरेशन में कमी आपकी तरफ से है, तो आप वही सेम सिंगल मॉड्यूल को अच्छे से प्रिपेयर करो और अटेम्प्ट करो. बिकॉज देखो, बिना प्रेपरेशन के जंपिंग इनटू बोथ, बिकॉज दिस इज व्हाट स्टूडेंट्स नॉर्मली डू कि अच्छा अभी एक दिया, अच्छा नहीं परफॉर्म हुआ, अगली बार दो दे देंगे. बट दैट इज अ सेपरेट केस, वो मैं बताती हूँ कब आपने वो चीज करनी है. लेकिन अभी के लिए अगर आपने अच्छे से तैयारी इस बार नहीं की थी तो आई वुड सजेस्ट यू आप वही सेम मॉड्यूल पिक करो, बिकॉज कुछ ना कुछ तो तैयारी की होगी, राइट. उस मॉड्यूल को पिक करके उसे और अच्छे से प्रिपेयर करके आप उसी का अटेम्प्ट जो है दिसंबर में दो. बिकॉज ऑफकोर्स सी वी नीड वेल प्रिपेयर्ड अटेम्प्ट, राइट. अगर आप वाकई में ये सोचते हो कि मुझे क्लियर करना है तो आपको उसे प्रिपेयर तो करना ही पड़ेगा. अब ये जो सेकेंड सिनेरियो, ये मैं बताती हूँ किन बच्चों के लिए. जो बच्चे फर्स्ट टाइम एग्जाम हॉल में बैठते हैं, वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, वेल रिवाइज्ड होते हैं, बट समहाउ एग्जाम हॉल में जाके पैनिक हो जाता है, एंग्जाइटी हो जाती है, या फिर आई वुड से कि क्वेश्चन पेपर आया, समझ नहीं आया कि इसको कैसे परफॉर्म करना है, अच्छे से नहीं प्रेजेंट कर पाए. वो सारी सिनेरियोज में जहां पे आप वेल प्रिपेयर्ड हो, उस केस में आई सजेस्ट कि आप नेक्स्ट मॉड्यूल की प्रेपरेशन स्टार्ट करो. अभी आपके पास टाइम है टिल रिजल्ट्स. आपका जो मॉड्यूल है वो तो वेल प्रिपेयर्ड है, राइट. तो उसे दोबारा प्रिपेयर करने का कोई फायदा नहीं, दोबारा प्रिपरेशन इज रिविजन, राइट. तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप नेक्स्ट मॉड्यूल की क्लासेस ले लो या अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो. और जब रिजल्ट आ जाएगा, इनफैक्ट अगर रिजल्ट के आने तक भी आप साथ साथ में उसी फर्स्ट मॉड्यूल को भी रिवाइज करते रहो, राइट. दिस इज वॉट यू कैन डू, बिकॉज जब आप एक वेल प्रिपेयर्ड चीज को दोबारा प्रिपेयर करते हो, इन माई लैंग्वेज Language, I call it a revision. तो अगर revision ही करनी है तो क्यों नहीं कि हम second module भी साथ में prepare करके उन दोनों की revision साथ साथ में करें, ताकि हम December में both groups दे सके. Now, तो what is the normal scenario? हम ये कहते हैं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल जून में बैठे हो, राइट, तो जून से दिसंबर तक अगर आपने दोनों मॉड्यूल्स प्रिपेयर नहीं किए और आप कह रहे हो मैं दोनों मॉड्यूल्स इतने कम टाइम में प्रिपेयर कर लूंगा, वी डोंट से दैट. लेकिन अगर आपने एक मॉड्यूल आपका वेल प्रिपेयर्ड है, ठीक है, देखो एग्जाम क्लियर करना नहीं करना, आई ऑलवेज से इट इज नॉट अ पैरामीटर कि आपको
पेपर आता नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, राइट? तो अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हो एक मॉड्यूल के लिए, तो नेक्स्ट की प्रेपरेशन स्टार्ट करो, दोनों को एक साथ रिवाइज करो और बोथ ग्रुप्स में बैठो December 2023 के लिए. लेकिन अगर आप दिए गए मॉड्यूल को भी प्रिपेयर करके नहीं गए, देन प्लीज प्रिपेयर इट वेल एंड सिट इन द सिंगल मॉड्यूल. देखो, आई एम टेलिंग यू इन द वेरी सिंपल वे, बिकॉज रशिंग इन टू मॉड्यूल्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट विल नॉट हेल्प, राइट? हमें क्या करना है, हमें पास होना है, ठीक है? तो पास कैसे होना है ये हमने देखना है. आई ऑलवेज यूज टू गिव सिंगल मॉड्यूल, राइट? स्पेशली इंटर और एग्जीक्यूटिव के टाइम पे मैं सीए इंटर भी दे रही थी, तो आई नो द प्रेशर. तो इसीलिए कभी किसी के ऊपर रिलाय नहीं करना, अपने सिनेरियो को स्टडी करके अपने हिसाब से हमने अपने पेपर देने, ताकि अल्टीमेटली हमें क्लियर करना एग्जाम, राइट? तो ये तो हो गए फर्स्ट सिनेरियो वाले, जिन्हें पता है कि अब हम क्लियर नहीं कर सकते, दिस इज वॉट दे कैन डू. मूविंग टू द सेकेंड सिनेरियो, सेकेंड सिनेरियो में वो बच्चे आते हैं जो डाइसी है, 50-50 है. अब बहुत बार, अब जैसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट ग्रुप के लिए मुझे बोला दैट ऑल पेपर वेंट वेल एक्सेप्ट कंपनी लॉ, राइट? तो वो थोड़े कंफ्यूज है कि अब हम क्या करें, सारे पेपर ठीक थे, कंपनी लॉ भी ठीक ही था, बट व्हाट इफ नहीं क्लियर हुआ. तो वो 50-50 है, वो डाइसी है. एक दो बच्चों ने ये भी बोला कि सारे पेपर अच्छे गए लेकिन मैम टैक्स का पेपर अच्छा नहीं गया. तो उन बच्चों के लिए क्या सजेशन रहेगी दिसंबर के लिए? I would say start the next module, right? क्योंकि अगर आप 50-50 हो तो you can clear also, right? तो मैं ये suggest नहीं करूंगी कि आप same पढ़ना शुरू कर दो, because कभी कभी there are chances कि आप क्लियर कर जाते हो, राइट? अगर आप पासिंग मार्क्स भी ले आए उस पेपर में जो डाइसी, और बाकियों में तो आप कह रहे हो कि मैं अच्छे लेके आ सकती हूँ या आ सकता हूँ, तो आप क्लियर कर जाओगे. सो इन दैट सिनेरियो आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर द नेक्स्ट मॉड्यूल. टाइम हमें वेस्ट नहीं करना. So this is the second scenario जहां पे I always say कि अगर आप डाइसी हो तो आप next module से start कर लो. तो उससे क्या होगा, जब results आएंगे तो दो ही scenarios होंगे, right? या तो आप pass होगे या तो आप fail होगे. तो अगर आप pass होगे that's great, right? आपने अपना time भी utilize कर लिया, आपने next module prepare कर लिया, right? Because आप डाइसी थे, अब आपने नेक्स्ट मॉड्यूल प्रिपेयर कर लिया, आप इतना ही आप आगे उसे अच्छे से और कंप्लीट कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो. You can yourself analyze कि कितना आपके लिए beneficial रहेगा. लेकिन by chance, God forbid, आप clear नहीं कर पाते हो, fail हो जाते हो, तो उस case में भी आपका फायदा होगा, because आपने next group की जो preparation है, base preparation है, वो कर रखी है, and आप जो है उसके साथ first module या already given module जो है वो revise कर सकते हो. And that is also beneficial, because trust me, जब result आता है ना, बच्चे इतना panic कर जाते हैं that now what we can do, now what we have to do. जब 25th August को result आएगा, August छोड़ दो, right? September, October, November, roughly 3 months रह जाते हैं, और 3 months में एक module मतलब prepare करना मुश्किल हो जाता है. तो अगर आप बोलो मैं both modules करूंगी, तो इसीलिए अगर आप ये target रखते हो कि मुझे in future both modules clear करने हैं, so in that case I always say start now, right? तो अगर आप dicey हो तो next module की preparation आज से ही start कर दो, और फिर जैसे भी result आएगा वैसे आप उसे mold कर सकते हो. मूविंग टू द थर्ड सिनेरियो. अब थर्ड सिनेरियो क्या है? थर्ड सिनेरियो बहुत ही सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कि आपको श्योरली पता है कि आप क्लियर कर जाओगे. अब ऐसे भी बच्चे होते हैं, राइट? सी, एट द एंड ऑफ द डे वी हैव गिवन आवर पेपर्स, राइट? उस वक्त इन द आई वुड से हीट ऑफ द मोमेंट कभी कभी बच्चे बोल देते हैं नहीं होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, बट टुवर्ड्स द एंड पेपर के बाद जब वो देखते हैं, दे लाइक नहीं, वी कैन क्लियर इट, राइट? तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हो तो बहुत सिंपल है, स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रेपरेशन. किस चीज का वेट कर रहे हो आप? अब जस्ट दिसंबर की प्रेपरेशन के साथ स्टार्ट हो जाओ अभी, राइट? नाउ बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है. आई हैव सीन स्टूडेंट्स अलग सिंगल ग्रुप दें, बोथ ग्रुप्स दें, अब क्या करें, कैसे उसे डिसाइड करें. आई रिमेंबर कि मुझे भी ये बहुत रहता था. I also used to feel the same कि मतलब how can I decide, मैं कैसे decide करूँ. I used to ask many people, right? Single group दूँ या both groups दूँ. Of course I cleared executive in first attempt, तो वहां पे जरूरत नहीं थी, लेकिन CA में जरूरत पड़ी and CS professional में जरूरत पड़ी, right? So how I used to decide it, अब जो मैंने सीखा है या अब जो मैंने समझा है, मैं उसके basis पे आपको बताती हूँ. अगर तो you have attempted
बट यू वर नॉट प्रिपेयर, राइट? मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको बताती हूँ, आपने पेपर अटेम्प्ट कर दिया बट यू वर नॉट वेल प्रिपेयर्ड. वॉट यू मीन बाय वेल प्रिपेयर्ड? वेल प्रिपेयर्ड मीन्स आपने सारे चैप्टर्स पढ़े, रिवाइज किए, राइटिंग प्रैक्टिस की, पास्ट ईयर क्वेश्चन किए, उससे हम कहते हैं वेल प्रिपेयर्ड, राइट? आपने पेपर जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट अटेम्प्ट कर दिया लेकिन आप अच्छे से प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं थे, तो उस केस में मैं हमेशा कहती हूँ सेम मॉड्यूल के लिए जाओ जो मैंने फर्स्ट सिनेरियो में बताया, बिकॉज इट इज नॉट अ जोक, इट इज नॉट इजी. आप सिर्फ इसलिए कि किसी ने बोल दिया बोथ ग्रुप्स दे दो, बोथ ग्रुप्स में, आई रेड अ कॉमेंट सम डेज बिफोर कि बोथ ग्रुप्स में इंस्टीट्यूट पास कराती, ऐसा कुछ नहीं है. इफ यू राइट करेक्ट आंसर्स यू विल पास, इफ यू नॉट राइट करेक्ट आंसर्स यू विल नॉट पास, इट इज एज सिंपल एज दैट. तो अगर आपने अटेम्प्ट किया फॉर द सेक ऑफ इट, आप प्रिपेयर नहीं थे, माई सजेशन टू यू इज गो फॉर द सिंगल मॉड्यूल. और ये कोई रैट रेस नहीं है, हमने ये नहीं देखना उसने क्या किया उसने क्या किया. वी ऑल आर डिफरेंट पीपल, वी ऑल हैव डिफरेंट आई क्यू लेवल्स, तो इसीलिए प्लीज गो अकॉर्डिंग टू योर प्रेपरेशन, राइट? सो अगर आपने इस बार अटेम्प्ट किया पर आप खुश नहीं हो अपने प्रेपरेशन से, तो सिंगल मॉड्यूल के साथ स्टिक करो, उसी मॉड्यूल को दोबारा अटेम्प्ट दो नेक्स्ट ग्रुप में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में. अब सेकंड चीज क्या है, आपने अटेम्प्ट किया, आप वेल प्रिपेयर्ड थे, राइट? गो फॉर द नेक्स्ट मॉड प्रेपरेशन. अब मैं आपको बताती हूं, बहुत बार जो मैंने आपको पहले भी बताया कि बच्चे प्रिपेयर कर लेते हैं, स्पेशली जो फर्स्ट टाइम पेपर में बैठते हैं वो बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करके जाते हैं, बट कभी कभी एंजाइटी की वजह से डर जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते, तो उन सबके लिए आई ऑलवेज से गो फॉर द सेकेंड ग्रुप, राइट? अगर तो देखो आप क्लियर कर गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बाय चांस क्लियर नहीं भी किया तो सेकेंड मॉड्यूल को प्रिपेयर करो, राइट? एंड अभी आपके पास टाइम है 25 अगस्त के तक, अच्छे से उसे प्रिपेयर करो, फर्दर उसे प्रिपेयर करो, दोनों को रिवाइज करो, एंड बोथ ग्रुप्स तो दिसंबर 2023 में, बिकॉज यू नो अल्टीमेटली तो आपने सब कुछ प्रिपेयर कर ही रखा है, राइट? बिकॉज मेन थिंग इज प्रेपरेशन. बस एक चीज अपने दिमाग में बिठा लो, कुछ भी जरूरी नहीं है जितना जरूरी है आपकी प्रेपरेशन. र्यूमर से दूर रहो, इंस्टीट्यूट ऐसा करेगी वैसा करेगी फेवर करेगी हमारे अगेंस्ट चली जाएगी, बिल्कुल नहीं, राइट? ऐसा कुछ नहीं होता, राइट? सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग दैट प्रेपरेशन इज एवरीथिंग, राइट? प्रेपरेशन एंड प्रैक्टिस, टू पीस, राइट? जिनका आपने ध्यान रखना है, राइट? सो आई रियली रियली होप कि मेरी वीडियो, बिकॉज मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सकूं कि आप कैसे सिंगल या बोथ ग्रुप्स ले सकते हो, बिकॉज बहुत सारे कॉमेंट्स आने शुरू हो गए हैं कि हमने ऐसा किया अब आगे क्या करें, हमने वैसा किया अब आगे क्या करें. तो मैंने इसलिए से तीन सिनेरियोज और एंड में बेसिक कंक्लूजन दिए, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बट आई होप दैट इट रियली रियली हेल्प्स यू, राइट? थैंक यू फ्रॉम माई साइड. I really really wish कि मेरी बनाई हुई वीडियोस आपको हेल्पफुल लगती हैं. हेल्पफुल लगती हैं तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड डू लीव अ कमेंट बिलो आप और कौन सी वीडियोस दिसंबर के लिए देखना चाहते हो. आई वुड लव टू पोस्ट देम फॉर ऑल ऑफ यू. आई सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप द प्रिपरेशंस ऑन, एंड डू फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया चैनल्स आल्सो. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम. आई पोस्ट लॉट ऑफ प्रोफेशनल कंटेंट, यूजफुल कंटेंट, एंड ऑन इंस्टाग्राम आई हैव अ पर्सनल अकाउंट एज वेल. यू कैन go and check that as well and connect with me on a personal level as well. I'll see you super soon in my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.